हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशुधन सहायक की न्यू वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में पशुधन सहायक की भर्ती हुई थी। अब सभी स्टूडेंट्स के मन में डाउट चल रहा है कि LSA की नई वैकेंसी कब तक आएगी, आएगी या नहीं, आएगी तो उसमें कितने पद आएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको LSA वैकेंसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या गवर्नमेंट साइट से ली गई है। बहुत रिसर्च के बाद यह जानकारी ली गई है, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही अपडेट समय समय पर आपके लिए लाते रहते हैं। और आप अपने क्वेश्चन या सजेशन हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, ID डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हाल ही में गहलोत सरकार ने पशुपालन विभाग में नए पद जनरेट करने की बात कही। इसके साथ ही सरकार ने बताया कि वह अपने आने वाला बजट युवाओं और शिक्षा को समर्पित करेंगे, जिसमें 1 लाख नई वैकेंसी आने की बात कही। साथ ही पशुपालन विभाग में नए चिकित्सा केंद्र खोलने की बात है तथा 475 सर्वेंट को प्रमोशन देने की बात है। नए चिकित्सा केंद्र खोलने से नए पद जनरेट होंगे। उपेंद्र यादव ने भी नई वैकेंसी आने की बात रखी है। इन्हीं सब बातों से पता चलता है कि आगामी 4 या 5 महीनों में LSA की न्यू वैकेंसी आने वाली है, जिसमें लगभग 500 प्लस पद होंगे। यह सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या गवर्नमेंट साइट से ली गई है। आई होप वैकेंसी जल्दी आए। आई होप आज की अपडेट आपको पसंद आई होगी। ऐसे अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।